प्रगति और आप देख रहे हैं एसएमई पोस्ट लाइव। पेश है आज की खास एसएमई खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी लागू होने से महंगाई नहीं बढ़ेगी। जेटली ने कहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 50% वेटेज रखने वाले ज्यादातर फूड आइटम जीएसटी के दायरे में आएंगे, लेकिन इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमेरिकी कंपनियां छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। राज्य में इन्वेस्टमेंट के विकल्पों को लेकर अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने महाराष्ट्र में औद्योगिक इकाइयों को ऑनलाइन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित नहीं करने के लिए उनके बंद होने का नोटिस जारी किया है, जिनमें शुगर, आयरन स्टील इंडस्ट्री आदि शामिल है। वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टू व्हीलर मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हीरो मोटो कॉर्प इंडिया ने स्मार्ट स्कूटर मेकर एथर में 180 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डीआईपीपी ने कहा है कि हम 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल सर्विसेज में नोटिफाइड कर चुके हैं। तेलंगाना कंपनियों को सुविधाजनक बनाने के लिए 3D प्रिंटर के मैन्युफैक्चरर और एरोस्पेस सेक्टर के लिए टी हब बनाने की तैयारी कर रहा है। नास्कॉम जिनोव की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 तक 10,500 स्टार्टअप्स का घर होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2016 में इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत मजबूत है।